नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज अ पार्टिकल मूव विदोसिटी ऑफ सिक्स आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस थ्री किलोमीटर पर सेकेंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कॉन्स्टेंट फोर्स एफ इज इक्वल टू ट्वेंटी आई कैप प्लस फिफ्टीन जे कैप माइनस के कैप न्यूटन इंस्टेंटेनियस पावर अप्लाइड टू द पार्टिकल विल बी नाउ सिंपल सा वैक्टर का सवाल है लेकिन इसके लिए आपको वैक्टर का ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी होता है ठीक है एफ इज फोर्स एंड वी इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सो पहले मैं वेलोसिटी जो दी है उसको लिख लेते हैं वेलोसिटी इज गिवन है सिक्स आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस थ्री के कैप दिस इज किलोमीटर पर सेकेंड में ये अपने को वेलोसिटी दे रखे सॉरी मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट फोर्स दिया हुआ है ट्वेंटी आई कैप प्लस फिफ्टीन जे कैप फोर्स अपने को दिया है ट्वेंटी आई कैप प्लस फिफ्टीन जे कैप माइनस फाइव के कैप फाइव के कैप न्यूटन पावर अपने को पता है पावर पी विल बी इक्वल टू एफ डॉट वी एफ डॉट वी तो इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करके अपना पावर आ जाएगा एंड पावर विल बी स्केलर क्वांटिटी वेक्टर प्रोडक्ट करते हुए हमें पता है कि बस हम आई आई जे जे और के के को मल्टीप्लाई कर लेते हैं आई डॉट जे और आई डॉट के और के डॉट जे ये सब ज़ीरो होंगे बिकॉज उनके बीच में एंगल 90 डिग्री का हो जाता है और क्योंकि 90 का एंगल होएगा इसलिए डॉट प्रोडक्ट जीरो होएगा सो पावर पी विल बी इक्वल टू सिक्स इंटू ट्वेंटी देट इज़ वन ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन इंटू फोर फिफ्टीन फोर विल भी इक्वल टू माइनस सिक्सटी और थ्री इंटू फाइव इट विल भी इक्वल टू माइनस फिफ्टीन इनको एड करके इस ऑपरेशन के बाद अपनी पावर आ जाएगी दट विल भी फोर्टी फाइव जूल्स पर सेकेंड इसकी यूनिट होएगी सो दिस विल बी आर इंस्टेटेनियस पावर सो देट मीन्स ऑप्शन नंबर बी फोर्टी फाइव जूल्स पर सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर